अस्सलाम गाइस, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो जी आज के व्लॉग में आप नोटिस करेंगे कि हया मेरे साथ है। हया मेरे साथ क्यों है? क्योंकि भाई मेरी शादी हया की वजह से हुई है एंड हया प्लेड सच एन इम्पॉर्टेंट रोल इन माय शादी कि मैं आपको बता नहीं सकता। आपके दिमाग में आ रहा होगा, अच्छा यार ठीक है, मतलब बोल दिए होगा अम्मी अब्बू को। नहीं, इसके पीछे बड़ी कहानी है। तो सोचा कि यार आज कहानी का दिन है, कहानी सुना देते हैं। तो हम साथ ही बैठे हुए थे, अनिया के पेरेंट्स बैठे थे, तो हम वही बात करते कि आपने मुझे रिजेक्ट किया था, रिजेक्ट की भी एक वीडियो बनाएंगे। अच्छा जी, हया का कितना कंट्रीब्यूशन था, उसका कितना कंट्रीब्यूशन था, यू नो फलाना फलाना निमकाना, वो सारी चीज़ों की हम बात कर रहे थे और हमें सारी चीज़ें जो पेरेंट्स का पर्सपेक्टिव था वो भी पता लगा। तो जी हया मुझे कहते कि ब्रो मैंने तुम्हारे यूट्यूब पर ना बताना है कि तुम्हारी शादी मेरी वजह से हुई है, मेरी वजह से, बी ग्रेटफुल। आई एम लाइक ब्रो आई एम ऑलवेज ग्रेटफुल, लेकिन बता दो लोगों को भी पता चले। जब हम सबको पता है तो ब्रो को भी पता चले। तो ब्रो बताओ, हाउ आई कन्विंस एवरीवन फॉर द शादी वाज। अच्छा, रिजेक्शन मैं आपको बता देता हूँ कि आई वाज रिजेक्टेड, ठीक है। व्हाई, यू नो, यानी कैसे हुआ था इसके बारे में एक अलग वीडियो बनाएंगे, बट हाउ यू प्लेड अ पार्ट इन माय शादी। हाउ आई प्लेड अ पार्ट इन द शादी वाज, मैंने दोनों का बहुत ख्याल रखा फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, बिकॉज दोनों ऐसे डाउन हुए थे जैसे कि दुनिया ही खत्म हो गई है। रिजेक्शन के बाद कैसी शक्ल लगती है? रिजेक्शन मतलब कि अनिया ऐसी, मैं भी अली, क्या करेंगे हम, मुझसे लाइक प्यार कर तो स्टैंड लोगे ये? हाँ अनिया, मैं क्या, मैंने स्टैंड लिया तो है। मैं सोच रहा था मैंने अब्बा से बात कर ली, फ्लाइट की टिकट लेके आ गया, कितना स्टैंड लूँ यार। तो खैर मतलब जो रिजेक्शन थी वो इसके साइड से थी, मेरे साइड से एवरीथिंग वाज ओके। इसके साइड से तो भाई बहुत ही लाइक इट वाज वेरी नाइस, हिज पेरेंट्स लव्ड अनिया, दे अडोर्ड हर, दे स्टिल डू माशाल्लाह, एंड मतलब she got the warmest welcome into his family, mashallah mashallah, but wasn't the same for this guy here. He had to face you know what a lot of people think. I'm sure you know, you guys think, okay, a girl fell in love with a boy fell in love with a girl, and acha ammi abbu ko bhej ke rishta manga, rishta ho gaya, shaadi ho gayi, bhai jaan इतने पापड़ बेले ना, करीब से भी नहीं ऐसा कुछ, इतने पापड़ बेले ना हमने, आपकी सोच है। और सिर्फ हमने नहीं बेले, हया ने भी बेले हैं, एंड एवरीबडी नीड्स अ हया इन देयर लाइफ। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम, सबसे पहला प्रॉब्लम ये था कि मैं इंटरव्यू देने आया, रिजेक्ट हो गया। फिर यहाँ पे मैंने एक पुरानी वीडियो थी उसमें माय रिश्ता इंटरव्यू के नाम से, उसे मैंने थोड़ा सा एक रिजेक्शन का एक पार्ट बताया, तो आपने नहीं देखी तो भी जाके देख लें। तो बीच में हमने हया को बताया ये हो गया, तो रिजेक्शन के बाद ना हया पिक करने आए। हया कहती यार आई विल टेक यू गाइस आउट फॉर चाय एंड स्टफ। मैंने कहा ठीक है, बहुत डाउन थे दोनों के शक में, लेकिन मुझसे बर्दाश्त नहीं होता भाई। अच्छा हम चले गए। तो फिर हया ने स्टार्ट की अपनी लॉजिक, और मैं एक चीज़ बता देता हूँ, मैं अपने घर का रिबेलियस किड रहा हूँ, हया अपने घर की रिबेलियस किड रही, सो वी आर बोथ ऑन द सेम पेज। और लेकिन हया अपनी जो बात है ना वो मनवा लेती है, मैं भी मनवा ही लेते हो तुम, लुक एट हाउ यू आर टुडे, या बट नॉट टू दैट एक्सटेंट, लेकिन वी आर लाइक वी आर नॉट अनियाज इन आवर फैमिली, सही है? मतलब कि अनिया का ट्रेड बता दो, अनिया किस तरह की? अनिया इस तरह की है कि अनिया पैर दबाने वाली बच्ची, पैर दबाने वाली बच्ची। खैर पैर तो मैं भी दबाती हूँ, ऐसे नहीं बोलो, लेकिन वो ऐसी मतलब कि वो मतलब हर बात मानती है, हर बात मानती है। ब्रो एक ना बचपन में मैंने ना एक उर्दू की क्लास में एक वो था, पता नहीं कौन सी मुहावरा, नहीं मुहावरा नहीं, एक कोई स्टोरी थी, मम्मा आज भी मुझे ताने मारती हैं, कौन सी पता नहीं, अच्छे बाप की, अच्छे पेरेंट्स की अच्छी औलाद, कुछ इस तरह था कि एक माँ ने पानी मांगा तो बेटा पानी लेने गया और वापस आया तो माँ सो रही थी और पूरी रात खड़ा रहा था। आपको एग्जांपल दे सकता हूँ कि चले ये तो खैर बहुत ज्यादा हो जाता है ना, लेकिन रियलिस्टिकली अनिया थोड़ी इस साइड पे है। हाँ रियलिस्टिकली अगर ऐसी एग्जांपल होती तो अनिया पे फिट करती, लेकिन ये एग्जांपल रियलिस्टिक बिल्कुल भी नहीं है, इट्स स्टूपिड इफ यू आस्क मी। सो या Then, अच्छा खैर फिर क्या हुआ, दोनों बहुत डाउन थे ऐसे मतलब कि शक्लें बनी हुई इनकी, और ये ब्रो, मैंने कहा ब्रो क्या हो गया, चेहरा पराठा रोल खाओ, चाय पियो, क्या हो गया, मैं सब संभाल लूँगी, टेंशन नहीं लो। और पराठा रोल गिरा रही थी, मतलब फूड मेक्स एवरीथिंग बेटर यार। खैर तो अनिया की तो भाई शक्ल वैसे ही लाइक यू नो शी हैज लाइक ए वेरी पोकर फेस, एक्सप्रेशन लेस, बट वो बिल्कुल ही रिवर्स में माइंड पर चले गई थी, बिल्कुल यूँ हो गई थी ये। और ब्रो इतना जो बिल्कुल मेहता थोड़ा बहुत है तो ब्रो बिल्कुल यूँ हो गया था, मैं क्या करूं बताओ, मैंने क्या उनको, मैं क्यों नहीं पसंद आया, और तुम किसी और से शादी कर लोगी, और आगे से अनिया दोनों फुल फिल्मी हो गए, दोनों फुल फिल्मी हो गए, इमो इमो बातें, इतने इमोशनल, ओ माय गॉड मैं तुम्हारे बगैर रह लूं,
तुम पेरेंट्स के खिलाफ जाके मतलब वो हाँ मतलब नहीं मैं बताती हूँ इतने एक्सट्रीम पे लोग चले गए थे, इतने एक्सट्रीम पे लोग चले गए थे मतलब कि यू कांट इवन इमेजिन लाइक मैं अच्छा मैं बैठ के बिकॉज आई लाइक आई जस्ट सेड कि डीप डाउन हैड अ फीलिंग कि सब कुछ खैर खैर इंशाल्लाह हो जाएगा लेकिन इन दोनों को उस हाथ में कौन समझाए ये बात तो मैं जो ना मज़े पूरे ले रही थी इन दोनों के ठप शक्लों के लेकिन अंदर अंदर से आई न्यू कि इट वाज ऑल गोना वर्क आउट तो मैं अच्छा ब्रो बेचारा बोल रहा है कि तुम किसी और से शादी कर लोगे अनिया बोल रही है तुम मेरे लिए स्टैंड ले लोगे क्या ये वो एट वन पॉइंट दे वर लाइक भाई कि हम क्या करें लाइक यू नो बिकॉज वी वांट टू गेट मैरिड ब्रो बताओ तो सही ना वेयर यू प्लेड द रोल आई प्लेड द सेवियर द रोल ऑफ द सेवियर कि मैं जो हूँ लाइक मैंने अपनी हर रिसोर्स एग्जॉस्ट की बेसिकली लाइक मैं अपने मामू और डैडी आई एम वेरी क्लोज टू माई डैड तो मैंने सोर्स लगवाई बिकॉज मामा से ज़्यादा इसकी सास से ज़्यादा इसके ससुर की रिजेक्शन थी इसको कि नहीं मेरी डॉक्टर बेटी इससे शादी नहीं करेगी इससे सही है तो मैंने अब आई एम वेरी क्लोज टू माई डैड मैंने बोला डैडी देखिए क्योंकि क्योंकि पाकिस्तान में ना डॉक्टर बहू डॉक्टर बहू डॉक्टर हस्बैंड बेसिकली सही है तो ये था तो डैडी को मैंने कहा डैडी प्लीज़ आप यू नो मामा को मनाएं और वो आपकी बात मानती हैं और आपको पता है कितना अच्छा है वो मैं मिली हुई उससे और यू नो ही इज़ वेरी नाइस एंड ऑल दैट तो बहुत 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 मुश्किल से मैंने किया और प्लस अच्छा उसके बाद जो ब्रो ने मेहनत की है खैर उसके बाद जो ब्रो ने मेहनत की है मतलब कि होता है ना एक जो सही इतनी मेहनत की है कि मतलब जो आज जिस तरह का प्यार इसको मिल रहा है मेरे पेरेंट्स की तरफ से इट्स ऑल बिकॉज ऑफ हिज हार्ड वर्क बट इन ऑल फेयरनेस इट पेड ऑफ वंडरफुली फॉर ब्रो मतलब कि भाई ईद आई तो इतने बड़े बड़े डब्बे फ्रूट के आ रहे हैं और मतलब मंगनी इन दोनों की हुई है लेकिन हम बताते हैं सही है मतलब आई एम जस्ट शोइंग यू द अमाउंट ऑफ एफर्ट दैट ही मेड टू मेक श्योर दैट ही इज एक्सेप्टेड नाइसली सही नॉट जस्ट हिम एंड हिज फैमिली इनकी मंगनी पे हम चारों बहनों के लिए और अम्मी अब्बू के लिए एक इतने बड़े सेट आए थे लाइक पूरे गिफ्ट सेट्स आए थे उसमें क्या थे मैं बताती हूँ ब्रो टॉपिक से डाइवर्ट हो रहे हैं ना ब्रो बट आई हैव टू टेल ना कि तुम कितने लाइक यू नो लाइक खैर 12,000 13,000 के मेकअप का पैलेट ठीक है जी वाओ है यू रियली हैव टू टेल द प्राइस एंड एवरीथिंग या बिकॉज़ इट्स लाइक दैट्स द काइंड ऑफ स्टफ दैट आई गेट बहुत मुश्किल एग्जांपल दे दो चलो एग्जांपल मतलब कि एक्सपेंसिव मेकअप पैलेट्स बिकॉज़ ही न्यू दैट द फोर ऑफ अस लाइक मेकअप एंड ही नोस हाउ टू गेट व्हाट ही वांट्स बेसिकली हाय मुझे तो इंप्रेस होने की जरूरत नहीं थी बिकॉज़ ऑलरेडी लव्ड हिम तो वो जोड़ा चॉकलेट्स ये वो पूरा रैप करके इन क्लियर प्लास्टिक बॉक्सेस विद आवर नेम्स एंग्रेव्ड ऑन देम इन गोल्डन कलर acrylic boxes ठीक है तो लुक एट द अमाउंट ऑफ एफर्ट दैट दिस मैन वेंट थ्रू टू इम्प्रेस हिज इन लॉज सही है तो मैंने थोड़ी बहुत बार डाली होगी जरूर इनकी लेकिन इस बंदे ने मेहनत बहुत की है आपस की बात है ब्रो टॉपिक ये कि तुमने क्या प्ले मैंने बता रही हूँ ना मैंने सबको मनाया इंडिविजुअली मनाया मैंने कैसे मनाया था तुम डैडी के पास गई तुमने क्या बोला मैंने डैडी को बोला मैंने कहा डैडी देखिए आपको गलत लग रहा है ठीक है ना आजकल का जो जमाना है उसमें ये नहीं भाई कि सिर्फ डॉक्टर ही जो है कि वायबल डिग्री होती है एक प्रॉमिसिंग करियर होता है बहुत ही आजकल अप एंड कमिंग यू नो ऐसे करियर्स हैं विच आर लाइक यू नो यू व्हिच यू कैन कॉल ऑड करियर्स बट दे आर वेरी यू नो बिकॉज कहने को तो अनकन्वेंशनल सही एंड देन आई वॉज लाइक भाई मामाज माई मॉम्स करियर ऑल्सो अनकन्वेंशनल शी इज अ टीवी आर्टिस्ट शी इज अ सेलिब्रिटी बट डू यू थिंक दैट शी इज नॉट शी हैजंट वर्क हार्ड और एनीथिंग शी इज नॉट एजुकेटेड यू नो पढ़ी लिखी वो है शी इज़ वेल रिस्पेक्टेड शी हैज़ अ नेम शी इज़ बेसिकली अ लेजेंड टुडे तो मैंने वो वाली एग्जाम्पल दी मैंने कहा तो जरूरी नहीं कि भाई हर अच्छा बंदा जो है वो डिग्री सिर्फ ये हो सकता है डॉक्टर हो या ये हो अम्मा को भी सेम बात बोली मैंने मामा को बताया मैंने कहा भाई ये कहते हैं कि तो ऐसा नहीं कि सिर्फ यही वाले करियर्स जो होते हैं वो ऐसे होते हैं मतलब एज इन लाइक you know unconventional unconventional yeah. and you know he can have a good future if he's a nutritionist and kya bolte hain bodybuilder wagera ko trainer wo to he can have a good career kyunki pakistani logon ka ek mindset hota hai ki nutritionist hain ya trainer hain so you know not good at studies mujhe khana banane ka bahut shauk hai like yeah. i love cooking aur mera aage ka plan hai somewhere in the future ki main ek diploma leke i get some experience in a restaurant and then i start my own food venture lekin i will never be able to do that in pakistan because mujhe kya bolenge are cook hai yaar are ye diploma liya tha diploma matlab ki cook hai whereas like you know internationally I'll be known as a chef and i'll have like you know a wide range of possibilities yeah. but that's just a pakistani mindset that you know exists khair to maine us mindset ko thoda sa like you know from my modern perspective thoda sa apni tarah se tackle karne ki koshish ki thi maine
कि यू नो ही हैज़ गुड सर्टिफिकेशन, ही इज़ अ वंडरफुल ह्यूमन बींग, उसकी फैमिली इतनी अच्छी है और अन्या को इतना खुश रखता है वो। और ये फिर जब मैंने ये बात बोली ना तो मामा को समझ आ गई थी। मामा ने बोला वैसे अन्या में एक चेंज तो आया है, यू नो कि वो बहुत यू नो शी इज़ जस्ट हैप्पी इन जनरल एंड यू नो शी लुक्स लाइक शी इज़ मेंटली रिलैक्स एंड एवरीथिंग। एंड ऑनेस्टली दैट कैन ओनली हैपन इफ यू हैव अ गुड पार्टनर। ट्रस्ट मी, आई हैव एक्सपीरियंस दिस फर्स्ट हैंड वर द डिफरेंस दैट अ राइट पार्टनर कैन मेक इन योर लाइफ। बिकॉज रिमेंबर मामा टोल्ड यू हाउ शी न्यू दैट तलहा वाज अ नाइस गाय बिकॉज़ लाइक भाई तुम्हें जो चेंज आया उसकी वजह से, तो ये बहुत एक ऑब्वियस सी बात है। आपकी जिंदगी में जो चेंज आता है बिकॉज ऑफ योर पार्टनर, इट जस्ट रिफ्लेक्ट्स ऑन अ ग्रेट पर्सन दे आर। बिकॉज अगर आपको इतना खुश कर रहे हैं, दे ब्रिंग आउट द बेस्ट इन यू। सही बोलते हैं, आपको जो बेटर हाफ होता है दे ब्रिंग आउट द बेस्ट इन यू, तो इससे बड़ा साइन कोई होता ही नहीं है बेसिकली। तो बिकॉज ब्रो वॉज सच अ ग्रेट पार्टनर एंड स्टिल इज माशाल्लाह, इट वॉज शोइंग इन अनियाज, यू नो अनिया वॉज ऑलरेडी वेरी नाइस पर्सन टू बिगिन विद, बट द फैक्ट दैट शी वॉज हैप्पी एंड शी वॉज लाइक यू नो मच मोर रिस्पॉन्सिबल सेंसिबल एंड ऑल दैट। एंड प्लस मैंने मामा को जो एक और बात बताई थी, मैंने कहा भाई ये दोनों का रिलेशनशिप है आई रियली रियली एडमायर। मैंने कहा देयर बेस्ट फ्रेंड्स, देयर पार्टनर्स, यू नो इनके देव स्टार्टेड मल्टीपल बिजनेस टुगेदर। पहले स्टेशनरी का था, फिर इनका पहले और क्या था, स्टेशनरी आई रिमेंबर, और फूड भी था। हाँ फूड था, स्टेशनरी था, बट खैर अगर मैं गिनूँ ना पांच छह तो होंगे ही होंगे। गेटफिट से पहले की बात करें, हाँ आई हैव ऑलमोस्ट लाइक 8-10 विद अनिया, या हाँ विद अनिया अबाउट 2 एंड अबाउट 10 फेल्ड वेंचर्स ऑफ माय ओन, या फेल्ड वेंचर्स बट वेंचर्स नॉनदरलेस। माय पॉइंट इज बेसिकली कि इफ दे हैड द पेशेंस एंड द यू नो what do you call the compatibility to work together yeah. and have a business together and manage their finances together or like you know unki agar ek kyunki sabse zyada jo phadde hote hain na business wo nahi wo paison pe hote hain paison haan wohi to bol raha hu na matlab tumne mere itne paise dene main agar itna temperament tha inka sahi hai ki ye log matlab business saath kar rahe hain aur wo bhi like you know thap ho raha hai phir se koi aur kare phir thap ho raha hai phir se koi aur kar rahe hain matlab now look where they are today with get fit and everything else alhamdulillah to I really maine amma ko ye baat batai। मैंने कहा मतलब कि अनिया एंड हिम आर जस्ट लाइक सो गुड, जिस तरह दोनों का रिलेशनशिप है, जिस तरह पैसे मैनेज करते हैं ऑल दैट। मतलब कि डू यू नो कि इस मतलब आई एम एल्डर देन अनिया 1.5 साल, लेकिन छः महीने हाँ खैर। तो मैं जैसे बड़ी हूँ एंड आई एम दी ओनली वन माई फैमिली हु इज हायर लाइक अ प्रॉपर जॉब फॉर इयर्स एंड इयर्स एंड इयर्स एंड इयर्स एंड इयर्स, लाइक अ प्रॉपर जॉब। यू वर वेरी यंग व्हेन यू स्टार्टेड। आई वाज 17, आई वर्क्ड इन माय मॉम सैलून, फिर मैंने एक दो जॉब से दूसरी जॉब खैर, और मैंने आई थिंक 17 की एज से लेके अब तक हम 27 10 साल हो गए मुझे काम करते हुए एंड आई हैव एब्सोल्युटली नो सेविंग्स एट ऑल। सही है, सो टू सी माई लिटिल सिस्टर एंड ब्रो you know like starting ventures together and doing business together and saving money together, it was like even inspiration for me। maine kaha bhai matlab what am I doing my life, ye log itna acha kar rahe hain, ye matlab yahan paise dal rahe hain wahan paise dal rahe hain committeeyan and all that aur gaadi ka soch rahe hain ghar ka soch rahe hain all that financial advisor yeah matlab bro tips deta hai mujhe। maine kaha main bro kya karna hai saving karke yaar, matlab ki kab mein thode ki jaane phir maine bro ko plan bana ke diya। maine kaha yaar ye dekho hai ye plan hai, tum committee dalo, tum dollars khareedo, tum ye karo। maine acha maine baatein badi gaur se maine kaha acha हाँ ब्रो कुछ भी नहीं था पहले, कुछ भी नहीं था मैंने कहा भाई लाइक जो अब शादी हुई ना अब सीरियस हो गई है। शादी के बाद तो ऑब्वियसली वेरी एक एक चीज सोच के लेती हूँ मैं। सो बेसिकली हया से जब बात करें तो हया हिसाब में साबुन शैम्पू टूथब्रश टूथपेस्ट इस तरह की चीज़ों पे भी वो रख रहे। अच्छा टमाटर तक पे अभी हम कराची के ना तो हया बाहर भी घर से जा रही था, हया के कमरे का एसी चल रहा है। मैंने कहा हया नहीं, बिजली के बिल से आता है मेरे अपने घर का बिल आया था कोई 250 pounds, सही है, विच इज अ लॉट, सही है, मल्टीप्लाई करो ना कितना, एक मिनट जो भी जितना भी 270 का पाउंड है, 270 × 250 इतना है, सही है, जितना भी जितना दो लोगों का सही है, जितना भी हमारे बड़े वाले प्रॉपर घर में आता है विद ऑल द पीपल लिविंग देयर उतना आया था, सही है, तुम्हारे घर में इतना नहीं आता, ज्यादा आता है, इतना ज्यादा आता है, हाँ जो भी है खैर, तो मैं इतना आया था पहले, ठीक है। तो मैंने जो है अब ऑब्वियसली दो लोग रहे हैं सिर्फ घर में मैं और तला, तो हमने बेड की प्लान किया। मैंने कहा यार एक काम एक चीज़ ट्राई करते हैं, सही, जब हम सोने जा रहे होंगे तो हम टीवी को मेन स्विच से, एयर फ्रायर माइक्रोवेव को मेन स्विच से बंद करेंगे, हीटिंग वीटिंग सब कुछ बंद करके सोएंगे, लाइक यू नो कुछ लाइक यू नो कुछ अप्लायंस या कुछ स्टैंड बाय वहीं छोड़ेंगे। अगले महीने हमें बिजली का बिल आया 44 pounds एंड दैट वॉज वन ऑफ माई बिगेस्ट अकॉम्पलिशमेंट, लाइक इतना अच्छा लगा मुझे, इतना अच्छा लगा मुझे, आई एक्चुअली लाइक इट सो मच, आई फेल सो हैप्पी बिकॉज लाइक यू नो यार ब्रो मेरी जो सेविंग वाली एडवाइस थी ना वो यहाँ पे
पैसे पूरे हो गए मेरे। मेरे पैसे पूरे। खैर शादी के बाद ही अकेले आई है वाली, आपस की बात है। बट एनीवेज कम बैक टू द पॉइंट। देर से आई, खैर आई, देर आई दुरुस्त आई। कम बैक टू द पॉइंट, तो मैंने अपनी मम्मी को बहुत लाइक यू नो अप आई पुट माई सेल्फ इन हर शूज कि वो क्या सोच रही हैं एज अ मॉम अपनी बेटी के बारे में, उनकी रिजर्वेशंस क्या हैं और उनको ये इतना अच्छा बंदा पसंद क्यों नहीं आ रहा है। आई टोल्ड हर व्हाई आई लाइक हिम, आई टोल्ड हर व्हाई अन्या लाइक्स हिम, एंड मोस्ट ऑफ ऑल लाइक आई सेड, सबसे मेन बात ये है कि अन्या को देख लें, खुश है, इट्स शोइंग इन हर, इन हर बेसिकली हर पर्सनैलिटी, हर डिमीनर, एवरी सिंगल थिंग, कि यू नो शी इज़ जस्ट अ रिलैक्स पर्सन, शी इज़ एट ईज, शी इज़ रिस्पॉन्सिबल, शी इज़ थिंकिंग बेटर, क्लियर, एंड इट्स ऑल बिकॉज शी हैज़ अ नाइस पार्टनर। सो आई एक्सप्लेन टू हर द डिफरेंस दैट द राइट पार्टनर कैन मेक इन योर लाइफ, एंड मैंने बहुत लेकिन इमोशनल होकर मैंने कहा देखें डैडी की वैसा कितनी खुश होती हैं ये वो पूरा ऐसे करके बोला मैंने कहा, तो अनियम फील द सेम वे अबाउट लाइक यू नो अली और वो उसको बहुत खुश रखता है, ही स्पॉयल्स हर, ही पैम्पर्स हर, दे हैव द टेम्परमेंट टू डू बिजनेस टुगेदर एंड देयर बोथ सो स्मार्ट एंड स्ट्रीट स्मार्ट एंड लाइक यू नो थिंकिंग अबाउट देयर फ्यूचर एंड इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंशियली जस्ट सो दे गो सो वेल टुगेदर एंड एवरीथिंग। तो मामा बोलती हैं अच्छा सही है देखते हैं, फिर डैडी से बात की मैंने और फिर हियर वी आर टुडे। तो जी मैं एक आप लोगों को एक बात बताता हूँ कि यार देखो दिल छोटा नहीं करना, हो जाती है अगर अल्लाह की मर्जी हो तो। तुम लोग कुकी खा रही हो? हाँ मैंने बताना प्लीज। थैंक्स ब्रो। तो जी बेसिक सीन ये है कि हया का जितना बड़ा रोल था ना, एंड आई कॉन्ट थैंक हर इनफ, एंड मतलब ये चीज़ यू नो ठीक है फाइन यू नो आपको देखना चाहिए कि आप किससे शादी करें, बट ये भी देखना चाहिए कि उसकी बहनें कैसी हैं, उसका कोई भाई है तो कैसा है, उसके पेरेंट्स कैसे हैं। तो कोई एटलीस्ट कोई इंसान होना चाहिए आपकी साइड पे जो एटलीस्ट आपकी वहाँ पे आपको बैक तो करे। तो हमारे केस में जी हमारी मैंने एक और बात बोली थी अपने माँ बाप को, मैंने मामा से पूछा और ये बहुत 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 ट्रिक क्वेश्चन था बिकॉज मैंने इतनी मिसालें देखी अपने आसपास, अरेंज मैरिज हुई है, माँ बाप ने बस दो तीन फैक्टर्स ऐसे ही देखे हैं कि डिग्री कौन सी है, ये कौन सी है, आप शादी करवा दी है और आगे जाके यू नो समथिंग बैड हैपेंड। तो मैंने मामा से पूछा ही, मैंने कहा कि क्या आपको लगता है कि मामा हमेशा सही फैसला करते हैं? तो मामा ने बोला नहीं, विच वॉज अ शॉक टू मी बिकॉज मामा जितना इस बात पर जोर डालती हैं कि माँ बाप को जो पता होता है वो किसी को नहीं पता होता है। तो टू हियर माई मॉम से कि नो माँ बाप हमेशा नहीं सही जानते हैं, मतलब कि बिकॉज कुछ चीज़ होती है नो वन कैन टेल एट ऑल, वन इट कम्स टू मैरिंग द राइट पर्सन देर इज़ नो सेट क्राइटेरिया, यू कैन हैव द बेस्ट डिग्री इन द वर्ल्ड, यू कैन हैव द फैंसीस्ट जॉब, यू कैन हैव ऑल द मनी, यू कैन थिंक दैट द पर्सन यू मैरिंग हैज़ अ ग्रेट पर्सनैलिटी, लेकिन देर इज़ नो श्योर शॉट वे ऑफ नोइंग कि वो बंदा आगे से कैसा निकलता है। बिकॉज मैंने अपनी जिंदगी मतलब माफ़ करें ऐसी थी, ऑब्वियसली तुमने भी सुनी होंगी कहानियाँ सुनी और मिसालें सुनी ऐसी कि ये बात बस प्रूव हो गई है कि शादी करने के लिए या राइट बंदा डिसाइड करने के लिए कोई क्राइटेरिया नहीं है, कोई देयर इज नो वे यू कैन फाइंड आउट। लेकिन ब्रो दिस इज आल्सो ट्रू ना कि आपको शादी तो करनी पड़ती है शादी, हाँ लेकिन मैं ये बोलूं कि भाई देयर इज नो क्राइटेरिया, सही है? तुम सोचो भाई या लव मैरिज हो अरेंज मैरिज हो, हाउ विल नो इट्स द राइट पर्सन? यू कांट, तुम लाइक यू कैन नो पर्सन फॉर 10 इयर्स, यू कैन डेट द पर्सन फॉर एज लॉन्ग एज यू वांट, व्हेन यू मैरी देम एंड व्हेन यू लिव विद देम they're different people, live with them ke lao bhi bhai, lekin aap there are some things that people take to their grave, how will you know those things? Koi aadat hai ya koi unki like koi back story hai, anything it can happen, it's basically very hard. Lekin I have seen people like me who fell in love in 7 days, story hai puri 7 days bata rahi hu sir main yaar, example sahi hai, and I have seen people who have been together for 10 years and it didn't work out. So basically when it's meant to be it'll be, but there's no way of finding out how that will be because like I said there's no criteria for finding out how you're going to marry the right person. So congrats to you for marrying the right person. Thank you, thank you, thank welcome welcome thank awaz bhari ho gayi first awaz jab aapne aapne notice kiya hoga jab hum koi aisi baat karte hain jahan pe hamari achievement hui ho wahan pe hamari awaz hoti hai bhari, to isko judge nahi karna, theek hai? Ye bhai ki jo awaz aisi hoti hai ye badi yo awaz hai और इसको बोलते हैं कॉन्फिडेंट आवाज। तो जी सुबह के 7 बज रहे हैं, थैंक यू सो मच। हाँ एंड जस्ट इन केस इफ यू आर वंडरिंग कि हम इतनी जल्दी कैसे उठ गए, हम सो ही नहीं है, हाफ डे नो क्या टाइम हो रहा है, सुबह के 7 बजे हम सारे हम लोग सोए नहीं है। हाँ तो अभी मैं सोना भी है। तो जी आज के लिए इतना ही, सुबह के 7 बज रहे हैं, रिपोर्टिंग लाइव फ्रॉम इस्लामाबाद एंड हया थैंक्स ब्रो एंड गुड लक टू एवरीवन गेटिंग मैरिड और ट्राइंग टू गेट मैरिड और ट्राइंग टू फाइंड द राइट पर्सन, गुड लक बिकॉज यू गोना नीड इट। तो गाइस मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, अंटिल देन अल्लाह हाफिज़।